एक लड़की की बात बता रही हूँ, मैं उस घर की बहू हूँ, ठीक है। ये तो राजवीर जी के आगे की बात है, अंशू को पता है, इनकी बहन है मम्मी, उनको भी पता है। पूछ लेना, कसम रखवा के पूछ लेना, पापा जी ने गलत नजर तक मेरे पे डाली। इतनी चीजें चीजें उस घर में हुई है, सहन करिए। मारा पीटा, गला घोट घोट के मारे हैं उस घर में। तब से ये रिश्तेदार मम्मी इस चीज को रिश्तेदार छोड़ो, उल्टी मेरे पे आ जाती है। मम्मी को नहीं पता ये बात की, अपने माँ बाप को नहीं पता, इतने सबके सामने बता रही हूँ। और इतने निभा के फिर भी बूढ़े माँ बाप के लिए मर रही थी मैं। वो बूढ़ा बाप है जो अपनी बहू पे गलत नजर डाल रहा है, फिर भी उसकी इज्जत कर रही है समाज में। इस चीज का ना तो इसको इसकी नॉलेज में कोई चीज है ना, हमारी नॉलेज में है, ठीक है ना। सुनो, ये चीज ना इसकी नॉलेज में ना हमारी किसी नॉलेज में, जब सबका नॉलेज है, मम्मी को पता है, तो किसी की मत, अंशु को होगा, लेकिन सही बात है, मम्मी को पता है। जब अंशु का जो वीडियो आया ना, उसमें उसमें हमें हमारे पूरे परिवार ने, इवन सबसे ज्यादा पता है, तुम जैसे रितु की बोल रही हो ना, सबसे ज्यादा रितु ने इस चीज को सपोर्ट किया था। इस तरह का है सुनो, रितु दीदी को सुनो, खुशी दीदी को पता है, रितु दी को पता है, रिकॉर्डिंग सही में दिखाई है ये चीजें। कहता है आ जाए यहाँ बैठ जा, गलत तरीके से हाथ लगाता है, सबको पता है ये चीजें, ये मत को नहीं पता, आप लोग आदमी हो, आपको नहीं पता होगी। जब तुम्हारा जब वीडियो आया ना, तो रितु ने सबसे ज्यादा सपोर्ट तुमको ही दिया है, हैं? कि सपना जो भाभी जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, और सपना भाभी अगर इस तरह का है तो सपना भाभी अपनी जगह सही है, ये बिल्कुल गलत। उसकी नजर पे कोई बात नहीं, लड़की जमीन तो जब तक उसने वीडियो था, इनसे पहले की अगर नॉलेज में होती है हमें नहीं पता, अब ये बता रही है, लेकिन वीडियो के बाद हम बता रहे हैं, वीडियो में लगा हुआ ये बता रही है मौसी, आप तक नहीं खुली है मुझे, आप तो खुल के बता रही है, मैं तो आज तक ना, तो अब बता रही है आपको अपने जगह में कैसा लग रहा है। बिल्कुल गलत, घोर मतलब घोर कड़े शब्दों में, मेरी बात सुनो, अंशु की बात करूं, अंशु क्यों आई उस दिन, इनसे बताई होगी, अंशु के फोन ऐसे बड़े बड़े हो गए, कैसी हो रही, ऐसे नजर होते देखता है, ऐसे करता है, लड़की भी ऐसे कपड़े पहने, अंशु ऐसी है भैया, यू गंदी गंदी बातें करता है वो, खुद आके उसने मामी से बताई ये चीजें, मुझे बताई है, पूछ लेना। सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रही, अपनी बच्ची की कसम खा रही हूँ, अपनी बच्ची से पूछना, बेटी मेरे हाथ पे कसम रख के बता दे, ये चीज तेरे साथ हुई है या भाभी के साथ गलत हुई है, ये चीज बस एक बार पूछ लेना, एक लड़की होने के नाते अगर बेटी भी तुम्हें एक बार अपनी बेटी पूछ रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, ये बात सत्य है या गलत है, पूछ लेने को नाम करा, हमारे भी माँ बाप है, माँ बाप तो आम से दूसरे की बेटी ला के हम तो बहुत ज्यादा बड़ी बेटी है, धर्म की बेटी है, धर्म की बेटी है, सही बात है, वो धर्म की बेटी है जो उसको लेके आ रहे हैं हम, बिल्कुल अंशु मेरे होठो में पुच्ची थे, ये कौन सी गुड नाइट होती है होठो में पुच्ची, ये सब उनकी जब राजवीर जी का तब की बात है जी, और मेरे कहते यहाँ कुछ चीजें वैसे छाती तक घोट कर ले, जब आपके मोहन तक लड़ाई हुई है कि वैसे तो तुम बिंदे बहू के पुच्छी लंगे, अब तुम्हें छाती तक घोट चाहिए, मुझे अपनी बहन से पूछना, कसम रख के प्यार करती हूँ तो वो आपसे, जिस इंसान से भी करती हूँ प्यार, जैसे अपना झूठा लामचन लगा रही है, और मम्मी खुद गालियां देती है, वो भी रिकॉर्डिंग है, जब बंजा बाप और मजन वो बंजा जे बंजा, फिर जब ऐसे करती है घर से नरक में जितनी मेहनत चाहिए ना, तो मालूम बेटी है दोनों की, जब बोलना की बेटी कैसी जिंदगी जीती है, लड़की पेट में बच्ची 6 महीने की, खड़े जो तू बता रही है हमें, जो बात बता रही है कि हमें आज पता चल रही है, हम तो ईमानदार होते हैं, हमें बताओ खुशी दीदी या स्थिति पर निकल ही नहीं करती, लेकिन उन्होंने कभी हमें, लेकिन इसने हम तो ना बता नहीं करते, पर निकल ही आई स्थिति पे, इन चीजों को हम तो आज तक कोई ने जिक्र नहीं किया, कह रहा होता यार, कह रही है तुम्हारे सामने, हमारी बेटी अपने बाप से बताती है, कौन सी लड़की अपने बाप से बताएंगी, जिस दिन बाप ने बात खुल के तुम ना बताओ को तो मम्मी ना करो, मां को हमें भी नहीं पता, हमारी बेटियों ने भी हमें भी आज तक कुछ कर नहीं, तुम अपने बेटी से पूछो, तुम अपन से बात पता कौन सी है, हमने तो जब ये सपना जो वीडियो डाला है ना, उसमें पता लगा है कि भाई इस तरह का नहीं, वीडियो नहीं, इसमें इसको बोला तो गाइज ये रिकॉर्डिंग सपना ने डाल दी है, क्योंकि जब अंशु का वीडियो आया था तो अंशु ने कहा था भाभी आपने तो रिकॉर्ड किया होगा ना, पापा और मौसाजी गए थे प्रॉपर्टी के चक्कर में, तो वो तो सब आपने रिकॉर्ड किया होगा, हालांकि उसके मौसाजी और पापा जी थे ना, वो सपना को समझाने और वापस लेने के लिए ही गए थे, किसी प्रॉपर्टी पर
साइन करवाने के लिए नहीं गए थे, क्योंकि आपने जो सपना ने कोर्ट रिकॉर्डिंग सुनाई है ना, और सपना उस समय काफ़ी ज़्यादा भड़क गई थी, भाई वो क्यों आएगी इस घर में, सब अब समझ में आया है। और फिर मौसा जी ने भी जो बताया था ना कि हम समझाने गए, चलो मौसा जी ठीक थे, बट कहीं ना कहीं इन सब लोगों को ये सब कुछ पता था कि सपना के ससुर बहुत ज़्यादा गलत हैं, सपना के ससुर ने सपना को गंदी निगाहों से देखा है, सपना के साथ गलत हरकतें की हैं। देखो, दो हस्बैंड गंवाने के बाद एक पत्नी को उम्मीद होती है, एक लड़की को उम्मीद होती है, शायद ये बूढ़े सास ससुर के सहारे वो जी जाएगी, बट जब ससुर ही इतना गंदा निकल जाए, ये कलयुग है भाई, कुछ भी हो सकता है। और सपना ने ये भी कहा, मामा जी आपकी बेटी के साथ भी ये हरकतें होती थी, गुड नाइट करता था तो किस देता था लिप्स पर, कौन गुड नाइट करता है, उनको उनकी हरकतों पर शर्म आती, और ये सब कुछ आपकी बहन को पता था, जब आपकी बहन से मैं कुछ बोलती थी तो वो मेरे से लड़ाई करती थी। तो भाई मामा जी को सब कुछ बातें पता थी, और मौसा जी की दोनों बेटियों को सब बातें पता थी, बट मौसा जी का कहना है मुझे ये कुछ भी नहीं पता था, हमने तो तब पता चला कि तुम्हारे साथ ही सब कुछ गलत हुआ है, क्योंकि आपने जब वो सूरज जी की रिकॉर्डिंग डाली थी तो सपना ने वो रिकॉर्डिंग गलत नहीं डाली थी, उस समय पर सूरज जी ने इनको बहुत बुरी तरह से मारा था, हालांकि किसी को पता नहीं था, क्योंकि सपना अपने मायके में भी कुछ बातें नहीं बताती थी, और उसके भाई ने कहा हमें ये सब कुछ पता ही नहीं था, अदरवाइज कोई भी भाई कोई भी मान ये सहन नहीं कर पाएगी, चाहे अपनी बेटी दो सूखी रोटी खा लेगी, ऐसे घर में कोई भी माँ और बाप नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी रहे। इतने अमीर और इतने एजुकेटेड होने का क्या फ़ायदा, जो ससुर एक जो बाप जैसा ससुर होता है वो अपनी बहू और बेटियों को इतने गलत नज़र से देखते हो। सपना ने गुस्से में आकर ये भी कहा, अगर आप कहते हो ना बहुत अच्छे हैं तो मैं चाहती हूँ तुम्हारे भी बेटियां हैं, मौसा जी तुम्हारे भी और मामा जी तुम्हारे भी हैं, तुम दोनों ही बेटियों को ऐसा ही ससुराल मिले। देखो उनके मन से बद्दुआएं निकली हैं, क्योंकि सपना ने बहुत सहन किया, और सपना ने इन सास ससुर को देवी देवता मनाया था लोगों के सामने, क्योंकि उसने कुछ लोगों को बताई नहीं थी हकीकत, हकीकत अब सामने आई है। और एक टीचर होकर, एक टीचर के होदे को किस तरह बदनाम कर दिया इसने, भाई हद हो गई, हद हो गई। हमारे समाज में ये हरकतें हो रही हैं, और सब लड़कियां, बहुत सारी सपना जैसी लड़कियां हैं जो इन चीज़ों को सहन करती है, बट सपना सोशल मीडिया पर सब कुछ दिखा दिया, सो उसके पास ये प्रूफ थे इस वजह से दिखा दिया, अदरवाइज सब सपना को ही झूठ ठहरा देते। अभी भी बहुत सारे पागल लोग हैं जो सपना को ही झूठ ठहरा देंगे, बट इसके पास तो प्रूफ है, और विद प्रूफ के साथ इसने सब कुछ दिखाया है।